हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइव स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर, जहां पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और आने वाले समय में इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सा वो स्टॉक है जहां पे एक अच्छा तेजी आ सकता है। फिफ्थ स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है किलबर्न इंजीनियरिंग। स्टॉक में हम लोगों को आज के सेशन में एक शानदार तेजी देखने को मिला। स्टॉक में हुआ है एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत ही अच्छे लेवल पे। स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, उसके बाद से स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेली चार्ट में जो है हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिला मल्टीपल इनसाइड कैंडल। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है एक मदर कैंडल बना और उसके अंदर ही स्टॉक ने यहाँ पे प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशन ट्रेड किया और अब जाके यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो इस कंसोलिडेशन से पहले स्टॉक में एक वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिला था। तो ये अगर पूरे पैटर्न को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये है आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे दो दो कन्फ्लुएंस है, एक है फ्लैग एंड पोल पैटर्न और सेकेंड है मल्टीपल इनसाइड कैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोगों को एक काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 225 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में हम लोगों को 260-280 का एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट पे ज़्यादा क्लियर व्यू आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करने के लिए 2021 से ही कोशिश कर रहा था, फाइनली जाके जो है स्टॉक ने आज के सेशन में इस लेवल को क्रॉस किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे 2022 के जनवरी मंथ में स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था, उससे पहले यहाँ पे आपको अक्टूबर 2021 में, उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर 2022, वापस से यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सितंबर 2023 और अब जाके फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नया ऑल टाइम हाई बनाया भी है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। साथ ही साथ वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। वीकली बेसिस पे ये कन्फर्म नहीं हुआ है क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन डेली बेसिस पे कंफर्म हो चुका है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में हम लोग अपने SL को प्लेस करके रखेंगे 760 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 760 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। हम लोगों का जो टारगेट होने वाला है ऊपर की साइड में जो है 1200-1300, ये सभी हम लोगों का टारगेट होने वाला है, क्योंकि कभी भी अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है जो कप का डेप्थ होता है। यहाँ पे जो कप का डेप्थ है तकरीबन 300 पॉइंट का कप का डेप्थ है। ऊपर की साइड में अगर हम लोग 300 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो 1150 का टारगेट आता है। तो 1100 से 1300 तक जो है हम लोगों को एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है और जैसे जैसे स्टॉक हम लोगों के फेवर में मूव करना स्टार्ट करेगा हम लोग यहां पे अपने SL को भी ट्रेल करते हुए जाएंगे। चलिए हम लोग थर्ड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। थर्ड स्टॉक है TBZ।
टीवीजेड के स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, टाइटन के ऊपर और अब टीवीजेड। इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है और जितने भी आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं ज्वेलरी के सेक्टर में, उन सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि धनतेरस आ रहा है। इसके बाद फेस्टिवल्स के बाद आपको शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, तो इन सभी चीज़ों में जो है लोग पसंद करते हैं ऑर्नामेंट्स को लेना, ज़्यादा सजना संवरना। इसी वजह से जो है इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो टीवीजेड के स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। मिड अगस्त से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में 110 के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करेंगे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में 175-200 का लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के शेयर में हम लोगों को लगातार तेजी देखने को मिल रहा था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार तेजी दिख रहा था, मैंने आपको बोला भी था जो जितने भी लोग इस स्टॉक में रैली मिस कर चुके हैं, वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। अब जाके यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ चुका है, रिट्रेसमेंट आ चुका है। क्लियरली देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाउंस किया, वापस से फॉल किया, अगेन बाउंस किया, उसके बाद जो फॉल किया प्रीवियस स्विंग लो इंटैक्ट है। ऊपर की साइड में यहाँ पे ये स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो स्टॉक ने 1000 के लेवल को वापस से रिक्लेम किया है। स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे है ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे ही स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। नीचे की साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड जो है एक सपोर्ट एरिया है 900-950, ये एक सपोर्ट एरिया है जहां से कि स्टॉक बाउंस कर रहा है। तो एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कल के सेशन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी वापस से 1200-1250 के लेवल की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में 900 के नीचे हम लोगों का एसएल रहेगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में जो है 1200 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है मेरिन इलेक्ट्रिकल्स। मेरिन के स्टॉक में अगर देखेंगे सबसे पहले इसके हम लोग मंथली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन और इसका ब्रेकआउट होगा 90 के लेवल के ऊपर। अब अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है एक इनसाइड कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। सबसे पहले यहाँ पे अगर इस टू कैंडल को देखेंगे, इनसाइड कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है यहाँ पे, एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो मेरिन इलेक्ट्रिकल्स जो है वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा सप्लायर भी है और स्नाइडर इलेक्ट्रिक को बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग जानते होंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक को, और स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ऑर्डर बुक जो है कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। मेरिन इलेक्ट्रिकल का भी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में फंडामेंटली और साथ ही साथ टेक्निकली भी एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करेंगे 74 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को इमीडिएटली 90 और 90 के ऊपर 100 तक का एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।